हे एवरी वन वेलकम टू आई एफ एस आई एम आकाश यू फैकल्टी फॉर इकॉमिक्स और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बिग पुल थियोरी ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कल वाले सेशन में भी हमने ग्रोथ थियोरी को डिस्कस किया था और आज वाले सेशन में हम स्पेसिफिकली बिग पुल थियोरी के बारे में समझने वाले हैं जो रोज टाइन रोडन के द्वारा दिया गया था ठीक है मैंने कल बताया था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम कल डिटेल वे में एनालिसिस करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे तो आज के सेशन में उसके बारे में ही डिस्कशन होनी है आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूँ जैसा आप सभी को पता है दस तारीख से हमारी फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगी अगर आप यू नेट एस्पायरेंट हो आप सेट एस्पायरेंट हो तो आपके लिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को भी देना किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है क्योंकि ये भी जो पोस्ट हो रही है बेसिकली वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ पे जॉब की गारंटी होती है बात समझ में आ रही है और सिलेबस मोर और लेस सेम है केवल अगर आप एम पी पी को टारगेट कर रहे हो तो आपको कुछ सेक्शंस हो सकता है जो एम के स्पेसिफ़िक पढ़ने पड़ेंगे जैसे कि वहाँ की हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में बाकी अगर आप इकोनॉमिक से टारगेट करते हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को तो जो आप एन टी नेट के लिए पढ़ रहे हो आप सेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो मोर और लेस सिलेबस सेम ही होने वाला है और जो एक्स्ट्रा सेक्शन भी है आपको उसके लिए भी डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलते हैं यानी कि फुल फ्लेस्ड कोर्स आप विद इन द ड्यूरेशन कंप्लीट करते हो और ये एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल देना चाहिए अगर आप आर को देते हो एम को देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ हटके नहीं है कुछ अलग नहीं होने वाला अगर आप यू जी नेट एस्पायरेंट हो तो आप इस एग्जामिनेशन को भी आसान तरीके से टारगेट कर सकते हो और सबसे बेस्ट पार्ट ये है अगर अभी आप हमारे वेबसाइट पर जाते हैं ख़ुद को इनरॉल करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए तो आपको वहाँ पे टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलता है केवल आपको आर पी एस से टेन या फिर एम पी पी एस से टेन का कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके बाद जो भी कोर्स की जो फी है वो टेन परसेंट से रिड्यूस हो जाती है ठीक है सिमिलरली आप यू जी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी कर सकते हो आप सेट एग्जामिशन को भी टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी जा सकते हैं सारे डिटेल्स आपको हमारे एप्लीकेशन या फिर हमारे वेबसाइट से अवेल करने को मिलते हैं ठीक है बात की जाए कि आई के साथ आपको मिलता क्या है आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो गुड आफ्टरनून मनोज कल कहाँ थे आप आप कल प्रेजेंट नहीं थे क्लास में और नेक्स्ट वीक से याद है ना आपको हमारी क्लासेस आठ बजे से नौ बजे के बीच होनी है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और इसी सीक्वेंस से सारे टेन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसी सेशन में हम एम को भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना सीख जाए बात समझ में आ रही है तो अटेंडेंस मैंडेटरी है जितना भी काम हो आठ बजे के पहले निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि क्लास डेली बेसिस पर अटेंड हो सके ठीक है क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे ही क्लास को शेड्यूल किया जाता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके एंड माइंड यू ये जो सेशन होने वाली है नेक्स्ट वीक से वो लगातार आपके एग्जामिनेशन तक चलेगी तो उसी के साथ बने रहना है और इस बार एग्ज़ामिनेशन अपने रिजल्ट को लेकर आना है कोई गलती नहीं करनी है ठीक है कोई बात नहीं है मनोज और नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम आएगी बेसिकली क्योंकि टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा सही है आप सारा कुछ काम निपटा सकते हो खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब कुछ और उसके बाद आप आठ बजे से इतमीन से एक घंटे की क्लास अटेंड कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक बात को याद रखिए अगर आप एक स्टूडेंट हो और उसके पहले अगर आप एक एस्पायरेंट हो बेसिकली ठीक है किसी एक एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो हमें कुछ समय तक ना रूटीन लाइफ जीने की आदत डालनी चाहिए कि हाँ मेरी एग्जामिनेशन जून में होनी है मुझे एक घंटा पढ़ना है लाइव क्लासेस अटेंड करनी है उसके बाद मुझे खुद से भी पढ़ना है सेल्फ स्टडी करना है और अगर आप ये अगले दो महीने तक करते रहते हो ना तो आप नेट जी आर एफ क्रैक करने वाले हो इसकी गारंटी मैं देता हूँ बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जो आपको मटेरियल चाहिए होते हैं कॉन्टेंट चाहिए होते हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड करने वाले की जिम्मेवारी हमारी होती है लेकिन पढ़ना तो खुद को आपको अपने एंड से ही पड़ेगा ठीक है तो इस बात को ध्यान देंगे चलिए जैसा कि मैं बता रहा था हम प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं आई एफ के प्लेटफॉर्म पे आप सबसे पहले यहाँ पे लाइव लेक्चर्स को अटेंड करते हो ठीक है इन केस किसी भी रीजन से लाइव लेक्चर आपसे अगर मिस हो जाए तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का भी ऑप्शन होता है प्लस उसी लेक्चर पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप अपने लर्निंग को इवेलुएट कर सको लर्निंग को इवेल्यूएट करने का मतलब ये होता है कि आपने मेरे सेशन को अटेंड किया आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई लेकिन उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर टॉपिक से एन द्वारा जैसे सवाल पूछे गए हैं क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो असली इवेलेशन वही होता है ठीक है तो आपको इसीलिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं अब लेक्चर अटेंड करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने लर्निंग को भी चेक करते हो उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहती है तो आप डाउट सेशन में उसे क्लियर करते हैं उसके बाद आपको टीचर के हैंड आउट्स दिए जाते हैं ताकि आपको अपने एंड से ज़्यादा नोट्स में मेहनत नहीं करना पड़ता जितना रिक्वायरमेंट होती है आपके जानकारी के लिए हर एक टॉपिक से वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं हर एक टॉपिक का ठीक है उसके बाद टेस्ट सीरीज की बात अगर मैं करूं तो हर संडे को आप टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हो जहां पे आप अपने परफॉर्मेंस को वीकली एवेल्युएट कर सकते हैं आपने एक सप्ताह पढ़ाई की सारे सेक्शन को पढ़ा अब संडे टेस्ट दीजिए अपने परफॉर्मेंस को भी चेक कीजिए और सबसे बेस्ट पार्ट हमारे एप्लीकेशन का ये है कि आपको यहाँ पे 2004 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे विद द मार्क्ड आंसर्स देखने को मिलते हैं और ख़ास बात मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप सोचोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालना कौन सी बड़ी बात है हम इंटरनेट पे जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं माइंड यू आप केवल यहाँ से अपने क्वेश्चन को डाउनलोड ही नहीं कर सकते प्लस आपको वहाँ पर आंसर्स भी मिलते हैं जो कि ऑलरेडी मार्क्ड होते हैं और उसके साथ साथ हम इन सारे क्वेश्चन को एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो आप सभी को पता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है और उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अगर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत लग जाए आप इन सारे क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट दे रहे होते हो और दूसरी खास बात यह है आप लाइव में अपने स्कोर को भी देख पाओगे हमारे एप्लीकेशन पे कि आपने विद इन द टाइम लिमिट कितना स्कोर किया है और साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे यानी कि एग्जामिनेशन के पहले आप एग्जामिनेशन वाला फील ले रहे होगे और अगले दो मंथ तक आपको अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने की आदत लग गई तो फिर एग्जामिनेशन में कुछ भी नयापन नहीं लगेगा आपको सारे कुछ से आप पहले ही अवेयर हो जाओगे और एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से कोई पैनिक सिचुएशन हैंडल करने की नौबत नहीं आएगी आपके लिए सारा कुछ आम होगा बात समझ में आ रही है और ये शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले जितने भी फ्री लेक्चर्स होंगे वहाँ पे वो आप अवेलेबल है नोट्स अवेलेबल है आप वहाँ से क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो तो ये होता है फ़ायदा आपको हमारे एप्लीकेशन का और आप जैसा कि जानते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो फुल कोर्स के लिए तो वहाँ पे एक एक यूनिट को डिटेल्ड वे में कवर किया जाता है जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स में सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं अपने इंटायर सिलेबस सी को सीक्वेंस में कम्प्लीट करना चाहते हैं विद इन द टाइम लिमिट विथ प्रॉपर पी वाई क्यू तो आपके लिए आई एफ एस से बेस्ट प्लेटफॉर्म देखने को शायद ही कहीं मिलता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बिग पुल थियोरी और आप देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर मैं एन टी ए के बिहाव से बात करूँगा तो आपसे केवल ये पूछते हैं कभी कभी कि बिग पुल थ्योरी के साथ में कितने इकोनॉमिक एसोसिएटेड है या फिर ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था तो नाम याद रखिएगा रोजस्टाइन रोडन के द्वारा दिया गया था ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरी है ये और बिग पुश कहने का मतलब क्या है बिग का मतलब बड़ा पुश का मतलब आप क्या करते हो धक्का देते हो सिमिलरली इनका ये मानना है अगर आपको किसी भी नेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है ग्रोथ हासिल करना है ठीक है विकास प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे लार्ज अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है सारे इंडस्ट्रीज में कहने का मतलब है एक साथ आप क्या कर रहे होते हो पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो हमने कल ही पढ़ा है कल वाले सेशन में अगर आपने मेरा वो प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो जाकर देखिए वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था जब हम लोग बैलेंस्ड ग्रोथ थियोरी पढ़ रहे थे वहाँ पे भी रोजिस्टाइन रोडन का जिक्र हुआ था फिर हमने अनबैलेंस्ड ग्रोथ थियोरी को भी देखा है और दोनों थियोरी क्या थे स्ट्रेटजी है किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं अगर बात हो बेसिकली स्पेसिफिकली किसे लेकर रोजस्टाइन रोडन की थ्योरी को लेकर बिग फूस थ्योरी को लेकर तो इनका ये मानना है क्या ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं अगर हमें बैलेंस बनाकर चले और सारे सेक्टर्स में इक्वली इन्वेस्टमेंट करें जितना रिक्वायर्ड हो तो हमें क्या करना है साइमल्टेनियसली ग्रो करना है तब जाकर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर पाएंगे अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और फोकस जो है आपका मुझसे हटके के की तरफ होना चाहिए तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए दी बिग पुश थियोरी हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाई रोजिस्तान रोडन मैंने बताया ये किसके द्वारा दिया गया था ये नाम आप मार्क कर लोगे एन डी ए में कभी कभी आपसे वन लाइनर सवाल भी पूछ लिए जाते हैं आइडिया क्या था इसके पीछे की आइडिया क्या थी बेसिकली उनकी दी आइडिया बिहाइंड दिस थियोरी इज दैट बिग पुश और अ बिग एंड कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टमेंट पैकेज कैन वी हेल्पफुल टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका ये मानना है अगर आप पैकेज इन्वेस्टमेंट पैकेज कहने का मतलब क्या सरकार द्वारा जो इन्वेस्टमेंट दिया जाता है या फिर किया जाता है इकोनॉमी में वो बड़े अमाउंट में होना चाहिए तभी जाके वो मददगार साबित होगा हेल्पफुल साबित होगा और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा इन अदर वर्ड्स सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अब मान लो सरकार को क्या है उसको पता है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कहने का मतलब अच्छे खासे स्कूल्स कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स रेलवेज़ इन तमाम तरह की चीज़ें क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होती है अगर सरकार इन सारे चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से पैसे खर्च करे तो हम इकोनॉमिक डिवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं और बाकी डिटेल्स जो मैंने आपको बताया वही सारा कुछ यहाँ पे मैंशन है लेकिन एक बात को ध्यान रखोगे इनका ये मानना है अगर हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट मतलब कि बिट बाई बिट कहने का मतलब है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कभी भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करके नहीं देगा अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करना चाहते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट में बिग पुश करना है कहने का मतलब क्या है उतना तो लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए जितना इकोनॉमी द्वारा रिक्वायर्ड है और अगर उतना इन्वेस्टमेंट किया गया तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं ठीक है तो इस बात को ध्यान देंगे आगे बढ़ते हैं अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं जहाँ जहाँ स्टार मार्क करूँगा आप ये समझो कि मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि एन द्वारा आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे सवाल या तो प्रीवियसली पूछे गए हैं या फिर कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इसीलिए हर एक स्लाइड से अगर मुझे लगता है ये सवाल पूछा गया है तो आप भी उसे स्टार मार्क करोगे क्योंकि वैसे ही सवाल उस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाकर देखोगे तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आगे देखिए अगर आपसे एक बार और पूछा गया था क्या रोजिस्टाइन तो रोडन के द्वारा किस डिविजिबिलिटी की बात की गई है इन डिविजिबिलिटीज की बात की गई है वो कौन से थ्री इनडिविजिबिलिटीज़ है कहने का अर्थ ये है कि वो तीन जो बात किया गया है जिक्र किया गया है इनडिविजिबिलिटीज़ को लेकर वो क्या है ठीक है तो ध्यान देंगे एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल ठीक है अब देखो पहला क्या है इनडिविजिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आपसे ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया था पहला है प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर सप्लाई को लेकर फिर डिमांड को लेकर हम बात करते हैं और चौथा कोई और ऑप्शन दिया गया था और आपको एलिमिनेट करना था वहां पे इससे ध्यान देंगे अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे व्हेन सो मेनी इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिस्ड द इकोनॉमीज रिगार्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर एक्यूर्ड ठीक है जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है ठीक है बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होगी फिर तो उसके बाद क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है ठीक है जैसे कि मान लो गुड्स बढ़ जाएंगे आपके लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है कैपिटल मशीनरी टूल्स एंड टेक्निक्स सारी की डिमांड बढ़ती है है ना जो आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो जिसका इस्तेमाल करके जिन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आप फाइनल गुड्स तैयार कर रहे होते हो तो रॉडन क्या कहते हैं ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमीज

कॉलेजेस रोड्स रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा कुछ इसका मतलब यही होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम एनर्जी रिसोर्सेज एवरी तो इनका ये फोकस है बेसिकली रोजस्टाइन रोडन का ठीक है द इंफ्रास्ट्रक्चर कंजिस्ट ऑफ दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट इनडायरेक्टली और इनका ये मानना है कि ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें विकास हासिल करने में इनडायरेक्टली मदद करते हैं ठीक है क्योंकि लेबर का इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड बना रहे होते हैं कैपिटल मशीनरी का इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड बना रहे होते हैं अगर हमें एक गुड्स को दूसरे जगह पहुंचाना है तो अगर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा बेहतर रोड्स एंड रेलवेस होंगे तो वो हमें डायरेक्टली हेल्प करेगा कि सही समय पर और बिल्कुल कम समय में हम उस जगह पर पहुँच सकते हैं बात समझ रहे हो इसी कारण से इनका फोकस उन सारे चीज़ों पर है ठीक है दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और ये वैसी चीजें होती है जो एक बार आपने इन्वेस्ट किया तो वो लंबे समय तक रहती है इकॉनमी में ठीक है इस बात को ध्यान देंगे टू कंस्ट्रक्ट इट अ बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड लेकिन इसे बनाने के लिए इसके ऊपर ध्यान देने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं ठीक है तभी जाकर आप इनकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो बात समझ में आ रही है और इसी तरीके से देखो ये लास्ट जो पॉइंटर्स है ना ये भी इंपॉर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग अंडर डिवलप्ड कंट्रीज यूडीसी का मतलब यहां पर मैंने डिनोट किया है अंडर डिवलप्ड कंट्रीज को कितना परसेंट स्पेंड करना चाहिए इन सारे चीज जो पे 30 से 40 परसेंट इन्वेस्टमेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल पे ही होना चाहिए यानी कि अपने इनकम का 30 से 40 प्रतिशत जो सरकार है वो कहाँ खर्च करे वो खर्च करे बेहतर रोड्स को बनाने में रेलवेज को बनाने में स्कूल्स कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स इन सारे चीजों को बनाने में क्योंकि ये लंबे समय तक टिकती है और हमें इनडायरेक्टली मदद करती है डेवलपमेंट को हासिल करने में ठीक है तो इस बात को ध्यान देंगे आगे बढ़ते हैं अब देखो सेकंड क्या है मैंने बताया इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड अब देखो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया वो पहला इंडिविजिबिलिटीज था जिसकी चर्चा रोस्टाइन रोडन के द्वारा की गई है सेकेंड है आपका इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड अब देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे दी कंप्लीमेंटारिली विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड रिक्वायर्स दैट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड इस्टैब्बलिस सच इंडस्ट्रीज विच कुड सपोर्ट ईच अदर अब इनका यह मानना है कि अंडर डिवलप्ड कंट्रीज कहने का मतलब क्या जो कंट्री जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल ना हो या फिर अगर रिसोर्स अवेलेबल है भी तो वह कंट्री कैसी है गरीब नेशन है वो अंडर डिवलप्ड है ठीक है तो उसे कैसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कैसी इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश करने में ध्यान देना चाहिए वैसी इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश करने में ध्यान देना चाहिए जो दूसरे इंडस्ट्रीज को भी मदद करे बात समझ में आ रही है आगे देखते हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वन प्रोजेक्ट मे बी रिस्की बिकॉज एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना कहीं से भी सही डिसीजन नहीं है ठीक है मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ ये कहा जाता है कि आपको सारा का सारा पैसा एक ही बकेट में नहीं डाल देना चाहिए कहने का अर्थ ये है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपने अपने सारा का सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में लगा दिया और मान लीजिए अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा का सारा पैसा भी डूब जाएगा लेकिन आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो आप अपने उसी अमाउंट को अलग अलग कंपनी के स्टॉक में लगाते हो अगर मान लो आपने अपने पैसे को दस कंपनी में लगाया ठीक है और आपने क्या किया आपने 100 इन्वेस्ट किए और हर एक कंपनी में दस दस रुपए इन्वेस्ट किया है मान लेते हैं कि उनमें से पांच पांच कंपनी कंपनी में में नुकसान हो गया आपको घाटे चल रही है लेकिन अगली जो पांच कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है तो जो आपको पांच कंपनी में पैसे लगाने पर जो नुकसान होंगे वो अगले पांच कंपनी में मुनाफा कमा के वो कम्पनसेट हो जाएगा या फिर हो सकता है आप ज्यादा भी मुनाफा कमाओ आपका लॉस कम दिखे ठीक है लेकिन अगर आप वो सारा का सारा सौ रुपए किसी एक कंपनी में लगा देते और वो अगर डूब जाता तो आपकी इंटायर सौ रुपये डूब जाती बात समझ में आ रही है सिमिलरली इनका ये मानना है कि हमें किसी एक प्रोजेक्ट में ही पैसा नहीं लगाना चाहिए हमें वैसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने की आवश्यकता है वैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है जो दूसरे इंडस्ट्री को भी मदद करे इसीलिए सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए और केवल एक इंडस्ट्री में नहीं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्र करना चाहिए तो इस बात को ध्यान देंगे ठीक है चलिए इन अदरवर्स दी इन डिविजिलिटीज ऑफ डिमांड रिक्वायर दैट एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी मेड इन सो मैनी इंडस्ट्रीज मतलब कि जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट उतना तो करना ही चाहिए तभी जाकर वो इंडस्ट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे अब इसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक तरीके से और बताता हूँ अब मान लो कि एक व्यक्ति है एक लेबर है जो बिस्किट कंपनी जो कंपनी बिस्किट बनाती है उसमें वो काम करता है ठीक है और एक कंपनी है वो क्या करती है वो बीट प्रोडक्शन करती है बेसिकली अब एक बात को समझो जो लेबर इस कंपनी में काम करता है बिस्किट बनाने वाली कंपनी में क्या वो दूसरे इंडस्ट्री में जो बीट प्रोड्यूस कर रही है उसके गुड्स की डिमांड नहीं करता उसके गुड्स की डिमांड करेगा ना उसे भी खाने के लिए रोटी चाहिए तो बेसिकली वो क्या करेगा वो बीट की डिमांड करेगा तीसरी कंपनी है मान लो वो क्लोज बनाती है तो कपड़े की भी वो डिमांड करेगा और वहां कपड़े की कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा बिस्किट की डिमांड करेगा पैसे खर्च करेगा वीट की डिमांड करेगा अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ता आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो लेकिन आप क्या कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के भी सामान की डिमांड करते हो तो इस तरीके से केवल एक इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाने की आवश्यकता है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उतना अमाउंट तो कम से कम करना ही पड़ेगा जितना रिक्वायर्ड है एटलीस्ट मिनिम अमाउंट दैट कैन सपोर्ट दोज इंडस्ट्रीज तब जाकर हम क्या कर सकते हैं अगर हम उस पैसे को अलग अलग, अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जितना रिक्वायर्ड मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए उतने रिक्वायर्ड मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाकर हम एक ही साथ क्या कर सकते हैं बैलेंस बनाकर ग्रो कर सकते हैं और उस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर लेंगे बात समझ में आ गई तो मेन क्रक्स बेसिकली यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है इसीलिए इंग्लिश हिंदी देखकर घबराना नहीं है भले ही यहाँ पे सारे पॉइंटर्स इंग्लिश में लिखे गए हैं लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक लाइन हिंदी में समझाऊ ठीक है तो ध्यान देंगे आगे देखिए ठीक है चलिए एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द मार्केट विल बी एक्सटेंडेड और ऐसा करने पे मार्केट का साइज बड़ा होगा और जो प्रॉब्लम होती है ना लिमिटेड मार्केट की वो खत्म हो जाएगी अंडर डेवलप्ड कंट्री में और वैसी कंट्री भी ग्रोथ को हासिल कर लेगी जो आप इस ग्राफ आप से भी, भी समझ सकते हो अब चलो फर्दर इस ग्राफ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से समझेंगे अब देखो यहाँ पे क्या है डी वन आपकी डिमांड कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है फॉर्म वन के लिए आर द एवरेज एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और D1 जो गिवन है ना वो आपके ए के इक्वल है ठीक है एवरेज रेवेन्यू के बात समझ गए और मान लो ये कॉम्पिटेटिव फॉर्म होगा बेसिकली जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व आपके डिमांड कर्व के इक्विवेलेंट है ठीक है और वो आपका जो एम आर वन कर्व है वो फॉर्म वन का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ठीक है वेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन दिस सिंगल फॉर्म अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस सिंगल फॉर्म में तो ध्यान से देखना ये रहा हमारा डी वन कर्व जो मैं इस तरीके से फर्दर ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है और ये रहा उसका एम आर वन कर्व ध्यान से देखेंगे इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जब इन्वेस्टमेंट किया गया इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द सिंगल फर्म दिस फर्म सेल्स ओ क्यू वन ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब है इतना अमाउंट में ये क्या कर रही है अपनी क्वांटिटी को सेल कर रही है किस प्राइस पे सेल कर रही है ओ पी वन प्राइस पे सेल कर रही है ध्यान से देखो यहाँ पे आप देख पाओगे इतने प्राइस पे वो इतना क्वांटिटी सेल कर रही है ठीक है जैसे जैसे ग्राफ बोल रहा है वैसे वैसे जा रहे हैं हियर इट फेसेस लॉसेज इक्वल टू पी वन सी ए बी अब ध्यान से समझो यहां पे इसे लॉस हो रहा है ठीक है अब देखो यहां पे इसे लॉस हो रहा है क्यों ये है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू करव और ये है उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व दैट इज डिमांड कर भी आप कह रहे हो यहाँ पे अब ध्यान से समझो यहाँ पे जो उसका लॉस का एरिया है वो क्या है ये वाला एरिया है पी वन सी ए बी ठीक है अब यहाँ पे देखिए कैसे ये रही आपकी एवरेज कॉस्ट की कर्व आप जानते हो ना एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है यू शिफ्ट होता है ठीक है हमने ये पढ़ा भी है और अगले वीक से हम सारे माइक्रो माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले भी हैं अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो घबराने की बात नहीं है फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे समझो नेक्स्ट सेशन से हमें सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा जब हम माइक्रो की भी सेशन स्पेसिफिकली लेना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका ये है मार्जिनल कॉस्ट कर ठीक है अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट ई वन पे आपकी एम सी इक्वल्स टू एम आर है ठीक है यहाँ पे देखो और ये जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है बेसिकली वो क्या कर रहा है ज़्यादा है और आपकी जो रेवेन्यू है वो क्या है कम है यानी कि जो ये बेसिकली डिस्टेंस होता है वो आपको लॉस बता रहा है इस कारण से आपका पी वन सी ए बी वाला जो एरिया है वो आपको लॉसेस इनकर कर रहे हो आप क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में लेकिन इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन सो मैनी इंडस्ट्रीज लेकिन अगर आप अलग, अलग अलग इंडस्ट्री में भी क्या करते हो इन्वेस्टमेंट करते हो ये केवल एक इंडस्ट्री की बात थी अगर आप अलग अलग, अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके कारण से क्या होगा आपकी मार्केट बढ़ेगी है ना मार्केट एक्सपैंड हो जाएगी ठीक है इन दिस वे द डिमांड विल इंक्रीज तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा बेसिकली अलग अलग कमोडिटीज़ भी मार्केट में आएंगे लोग अलग अलग तरीके से डिमांड करना भी शुरू करेंगे तो देखो आपका डिमांड कर कहाँ चला गया राइटवर्ड की तरफ इस तरीके से डी वन से चला गया डी फोर की तरफ अब ध्यान से समझेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे एंड सोनवाइदिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज और आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कहाँ आ गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गई और पॉइंट ई e पे आप आते हो इक्विबेडियम कंडीशन में ठीक है आगे देखिए नाउ द इक्वेडियम टेक्स प्लेस एट ई वेयर ओ क्यू फोर क्वान्टिटीज प्रोड्यूसड जो आप पहले ओ क्यू वन प्रोड्यूस कर रहे थे अब आप देखो क्वान्टिटी बढ़ गया आपका ओ क्यू फोर प्रोड्यूस कर रहे हो बेसिकली ठीक है एज अ रिजल्ट द इंडस्ट्रीज आर हैविंग प्रॉफिट इक्वल टू पी फोर आर एस टी और ऐसा करने की वजह से आप देखिए यहाँ पे आपका देखो ये क्या था आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व ठीक है सॉरी हाँ डी फोर कर एवरेज रेवेन्यू कर्व और उसके बाद आता है आपका एम आर फोर कर अब देखो यहाँ पे ये एरिया मतलब आपका रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट के कंपेरिजन में तो ये एरिया निकल कर जो आता है बेसिकली वो आपका आता है प्रॉफिट वाला एरिया तो इस ग्राफ से ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है अगर आप सिंगल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉस इनकर करना पड़ता है लेकिन अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स में मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप वहाँ पर बेनिफिट अर्न करते हो बात समझ में आ रही है और अगर कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वाले कर्व को देखकर आप घबरा रहे हो तो घबराने की बात नहीं है जब नेक्स्ट वीक से हमारी सेशन शुरू होगी फुल फ्लेज वे में तो माइक्रो इकोनॉमिक से ही स्टार्ट होनी है जहां पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब देखो यहां पे क्या है थर्ड पॉइंट आ गया ठीक है हमने देख लिया इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन इंडिविजिबिलिटी इन द डिमांड अब आती है बारी सप्लाई ऑफ सेविंग्स की ठीक है ये हो गया थर्ड वाला पॉइंट द सप्लाई ऑफ सेविंग्स आल्सो सर्व्स एज एन इंडिविजिबिलिटीज यानी कि एक तरह का ये भी क्या हो जाता है ऑब्सटेकल हो जाता है रुकावट हो जाता है ठीक है अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेविंग्स but इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ लोअर इनकम दि सेविंग रिमेन लो अब एक बात, बात को समझो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात की गई है ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की गई है और हमने कल ही पढ़ा है एक स्टेटमेंट क्या पढ़ा है अंट्री इज पुअर अंट्री इज पुअर is poor ठीक है और ये किसके द्वारा दिया गया था कहा गया था ये कहा गया था रैगना रैगना नक्स के द्वारा ठीक है कभी कभी यह भी आपसे पूछ लिया जाता है और हमने कल डिस्कस भी किया इसके बारे में अब एक बात को समझो ये कहते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है ठीक है अगर इसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें यही समझ में आएगा एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है लेकिन इसके पीछे का सेंस समझिए वो देश गरीब है इसीलिए क्योंकि उनके पास क्या होता है लो इनकम ठीक है लो इनकम इसीलिए कहा जाता है क्या वो नेशन को गरीब कहा जाता है अब इस लो इनकम के होने के पीछे का रीजन क्या है एक बात को समझो अगर किसी नेशन के पास जो कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है और उसके पास पहले ही से लो इनकम है तो लो इनकम कहने का मतलब क्या होगा वो लो सेविंग कर पाएंगे ठीक है पैसे अगर कम है उनके पास में तो वो बचत भी तो कम कर पाएंगे क्योंकि उनका ज़्यादा उनके पैसे का हिस्सा कहाँ चला जाएगा कंजम्पशन के ऊपर यानी कि उनके खाने पीने में ज़्यादातर पैसा वो खर्च हो जाएगा इस कारण से वो कम सेव कर पाएंगे कम बचत कर पाएंगे अब जब वो कम बचत कर पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कम इन्वेस्टमेंट भी होगा ध्यान से समझना अगर वो कम बचत कर रहे हैं तो बचा हुआ पैसा ही हम इन्वेस्ट करते हैं ना हम घर खरीदते हैं सामान परचेज करते हैं पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन जो कि मेरे पास पैसे ही कम बचे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट कम होगा कहने का मतलब हो जाएगा फिर लो प्रोडक्टिविटी ठीक है यानी कि उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो पैसे कम इन्वेस्ट हो रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करके बनने वाला गुड्स सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ धीरे धीरे क्या होगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी कम होगी और जब लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा बेसिकली मार्केट में रोजगार क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होता है नए नए प्रोजेक्ट पे तो नया नया रोजगार क्रिएट होता है लोग अपने लेबर को सेल करते हैं बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं उस पैसे से वो डिमांड करते हैं और फिर सप्लायर सप्लाई करता है तो इकॉनमी इस तरीके से चलती है लेकिन जैसे ही आपका सेविंग लो है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट लो होती है प्रोडक्टिविटी लो होती है रोज़गार क्रिएट नहीं होता आपको फिर क्या मिलेंगे जब जॉब मिलेगा ही नहीं तो फिर से आप आ जाते हो लो इनकम के ऊपर ठीक है और ये साइकिल लगातार चलता होता है इस तरीके से बात समझ में आ रही है इसीलिए रैगन नक्शे ने क्या कहा अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर द रीज़न बींग दैट उनके पास लो इनकम होता है और लो इनकम की वजह से वो सेविंग भी लो कर पाते हैं जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होता है उसके कारण से प्रोडक्टिविटी कम होती है रोजगार कम क्रिएट होता है और आपकी इनकम फिर से लो रह जाती है फिर से ये साइकिल चलेगा और इसी को आप कहते हो क्या बी सर्कल ऑफ पॉवर्टी आप इससे निकल ही नहीं पाते इस चक्र को आप ब्रेक कर ही नहीं पाते इस बात को ध्यान देंगे इस स्टेटमेंट का मतलब यही था ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब देखो देयरफॉर व्हेन इनकम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इसीलिए अगर मान लो इनकम बढ़ता है कैसे बढ़ रहा है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ठीक है द एमपीएस मस्ट बी ग्रेटर देन द एपीएस और इस पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया था अभी आप क्वेश्चंस को देखोगे भी ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं हर एक लाइन में ऐसा क्यों कहता हूं और स्टार मार्क क्यों बनाता हूं क्योंकि अब खुद से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसीलिए क्या बता रहे हैं एम कहने का मतलब क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ठीक है और ए कहने का मतलब क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ठीक है मतलब कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई आप बताते हो एम पी एस यहाँ पर मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इनकम में चेंज आने की वजह से या फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से आपके सेविंग में कितना चेंज आया और अगर मैं एस ओवर बाई कर दूंगा केबल तो आप कहते हो क्या ए पी एस यानी कि आपके इनकम में चेंज इनकम की वजह से आपके सेविंग में भी चेंज आ रहा है बेसिकली और जो ये डेल्टा का साइन देखो बस यहाँ पर डिफर कर रहा है और इसका मतलब ही क्या होता है चेंज होता है हम बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पे भी इसका मतलब समझते हैं ठीक है अब देखो पे क्या बताया जा रहा है अगर इनकम बढ़ती है इनकम कैसे बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोपेंसिटी जो है हमारा सेव करने का वो मस्ट भी ग्रेटर होना चाहिए हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ दीज इंडिविजिलिटीज एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज वनली बिग पुश कैन टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ द डोल्ड्रम्स ऑफ पोवर्टी और अगर ये सारा कुछ अगर ये सारा कुछ प्रेजेंट है आपकी इकोनॉमी में मौजूद है इन तरह की रुकावटें मौजूद है तो आप फिर ग्रोथ को हासिल नहीं कर सकते और उसी समय आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है बिग पुश की अगर आपको गरीबी रेखा से बाहर निकलना है वी सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करना है आपको डेवलपमेंट की पाथ पे चलना है तो आपको बिग पुश की रिक्वायरमेंट होती है कहने का मतलब बिग इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तब जाकर आप गरीबी से बाहर निकल सकते हो इट मीन्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द ऑफस्टेकल्स ऑफस्टेकल्स का मतलब रुकावट इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपके विकास के रास्ते में आ रही है ठीक है ये थे ये तीन इंडिविजिबिलिटीज जो रोनस्टाइन रोडन के द्वारा डिस्कस किया गया है और हर एक इंडिविजिबिलिटीज को आपने समझा देखा कि उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कहना चाहते हैं ठीक है, है? चलिए आगे देखते हैं अब इसके कुछ मेरिट्स हैं कुछ डी मेरिट्स भी है ठीक है अब ध्यान से समझो रोनस्टाइन रोडन्स थियोरी इज बेटर इन द सेंस दैट इट इज़ आइडेंटिफाइाइड दैट मार्केट इम परफेक्शन आर द बिग ऑब्सटिकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब देखो इनके थियोरी का फ़ायदा क्या है हमें हमें मेरिट्स क्या देखने को मिलता है बेहतरी क्या समझ में आती है इन्होंने मार्केट में जो इम्परफेक्शन्स है कहने का मतलब जो कमियां हैं उसे उजागर करने की कोशिश की है दुनिया वालों के सामने लाने की कोशिश की है उनका बात कहना बिल्कुल सही भी है अगर इस तरीके से रुकावटें होंगी इनकम लो होगा प्रोडक्टिविटी लो होगा इन्वेस्टमेंट लो होगा प्रोडक्शन साइड में भी हमने देखा है डिमांड साइड में भी हमने समझा है तो हमारे साथ क्या हो सकता है डेवलपमेंट हासिल नहीं किया जा सकता ठीक है इसीलिए वो क्या कहते हैं कि बड़ा अमाउंट रिक्वायर्ड है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करें इन्वेस्टमेंट करें एक साथ ग्रो करने की कोशिश करें क्योंकि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को अल्टीमेटली हेल्प करता है और हम इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं ठीक है लेकिन देखो इनके डी क्या है इस बात को ध्यान से समझेंगे इन्होंने क्या किया नेग्लिजिबल देखो क्या है यहां से क्या बताना चाह रहे हैं द बिग पुस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक के तौर पर तो इसे कंसिडर किया भी जा सकता है कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है लेकिन अकॉर्डिंग टू वाइन द एक्सपोर्ट सेक्टर एंड इम्पोर्ट सब्सटी सेक्टर्स आर सो बैकवर्ड इन अंडर डेवलप कंट्रीज दैट दे हार्डली गिव रीजन टू राइज टू इकोनॉमिक्स अब देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या एक्सपोर्ट का मतलब क्या बेसिकली निर्यात करते हो आप है ना निर्यात और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है आयात है ना जो आप किसी दूसरे नेशन से क्या कर रहे हो मंगवा रहे हो या परचेज कर रहे हो अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए ये क्या करते हैं निगलैक्ट करते हैं किस पॉइंट को क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है तो उसके पास तो ऑलरेडी इनकम कम होता है फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इंपोर्ट सेक्टर्स है वो बैकवर्ड होते हैं वैसे नेशन में मतलब पिछड़े वाले होते हैं वो वो ग्लोबल नेशन के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो किस तरीके से इकोनॉमी और स्केल को जन्म दे सकते हैं उन्हें तो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वैसे सेक्टर्स में बात समझ में आ गई आगे देखिए नेग्लिजिबल इकोनॉमीज फ्रॉम द कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है द गुड्स विच आर कंसर्न विद पब्लिक वेलफेयर अगर मान लो सरकार वैसे प्रोजेक्ट पे खर्च करे जो तो लोगों के कल्याण के लिए हो जैसे कि मान लो पार्क बना दे जिम वगैरह बना दे या फिर मान लो वैसी चीज़ें बना दे जो मानव कल्याण के लिए हो लेकिन उसके वजह से ज़्यादा इकोनॉमी और स्केल क्रिएट नहीं होता ज़्यादा आउटपुट क्रिएट नहीं होता डायरेक्टली विकास नहीं होती है हमारी ठीक है तो वैसे इन्वेस्टमेंट में खर्च ज़्यादा होता है लेकिन उससे मिलने वाला आउटपुट बहुत कम होता है इल्ड कम होती है ठीक है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है रेवेन्यू कम होती है ठीक है इस बात को ध्यान देंगे आगे देखिए नेगलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फर्दर बूस्ट करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात समझ में आ गई एग्रीकल्चरल सेक्टर को इग्नोर किया गया है इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में जिक्र नहीं किया गया उनके एंड से ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज के बारे में डिस्कशन की गई है की नहीं गई है बेसिकली ठीक है और उसके बाद इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट और उन्होंने कोई वैसे इतिहास के बातों को नहीं बताया जहाँ पे ऐसा करके ग्रोथ वगैरह हासिल किया गया हो या फिर वैसा हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं दिया उन्होंने बेसिकली ठीक है द बिग पुल थियोरी इज अ रेसिपी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बट इट हैज़ नॉट बिन डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पास्ट में देखने को नहीं मिला एज प्रोफेसर हेगन सेज द बिग पुल थियोरी लैक्स द हिस्टोरिकल एविडेंस इन फैक्ट और हेगन क्या कहते हैं ऐसा थियोरी ठीक है सुनकर समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है बट अगर इतिहास में कुछ वैसा हुआ होता जिसका रिफरेंस लेकर अगर वो बात वैसा कर रहे होते तो शायद हम वैसा हिम्मत भी करते ठीक है इसी बात को समझिए जो हम अनबैलेंस ग्रोथ थियरी पढ़ते हैं जो हर्षमैन के द्वारा दिया गया है जहाँ पे सिंगर का हमने बात किया अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो तो वो इम्बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन सारे सेक्टर्स में एक ही साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें क्या करना है प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है कहने का मतलब जो सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्री में होनी चाहिए उस इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो वो फर्दर डिमांड क्रिएट करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप अगर एक ही साथ सारे जगह इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आपके उसको रिजल्ट को देखने के लिए भी वेट करना पड़ेगा और उतना आपके पास पैसे भी होने चाहिए कि डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रीज में आप एक ही समय में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कहीं से भी पॉसिबल नहीं है या फिर आज के ज़माने में डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी कहीं से भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है आपको प्रायोरिटी सेक्टर देखना पड़ता है कि मेरे कंट्री के हिसाब से कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इतना रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए तभी जाकर वो क्या करेगा आपको इम्बैलेंस आप क्रिएट करोगे और वो फर्दर क्या करता है हेल्प करता है अगली इंडस्ट्रीज़ के डिमांड को क्रिएट करने में तो इस बात, बात को ध्यान देंगे ठीक है आगे देखिए अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आपको कुछ सीखने को मिलता है डेली बेसिस पे और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में थियोरीज को कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप वैसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हो इसी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो आप हमारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और टिल एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो काइंडली जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है अगर आप एक आई यूज़र हो या फिर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो ठीक है दोनों जगह से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर खुद को रजिस्टर करें जिससे आप एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हो जैसे कि इकोनॉमिक्स बात समझ में आ गई और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या देखने को मिलता है हमारे एप्लीकेशन में ठीक है और हम प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं फ्री मटेरियल्स हैं वो सारा कुछ हम एक्सेस कर पाओगे और अगर आप पेड कोर्स के लिए जाते हैं तो हर एक सेक्शन को हम डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं आप कैसे पढ़ते हो यूनिट वाइज ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ऊपर से नीचे वो हमारे एन के यूनिट्स हैं हमारे दस यूनिट्स हैं और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कवर करना है मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं है फिलहाल या फिर मैं उसे लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप केवल क्या करते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पर टैप करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं वो सारा कुछ आपको सिक्वेंस में देखने को मिलेगा और हर एक लेक्चर के नीचे उस लेक्चर के नोट्स प्लस उसी लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप अपने लर्निंग को भी वैल्यूएट कर सको कि लेक्चर अटेंड करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो और फिर हम डाउट सेशन में अगर कुछ रह जाता है तो उसे क्लियर करते हैं और जब तक एक यूनिट पूरे तरीके से कम्प्लीट नहीं होता आपके पूरे डाउट्स एक एक टॉपिक से क्लियर नहीं होते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव नहीं करते हैं और माइंड यू हम ये सारा कुछ करते हैं विद इन द टाइम लिमिट यानी कि दसों यूनिट को विद इन द टाइम लिमिट कवर किया जाता है आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो आप कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करते हो ताकि आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाओ एग्जामिनेशन के पहले और अपने पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही एग्जामिनेशन को क्लियर कर लो ठीक है तो ये पैटर्न होती है हमारे साथ प्रिपरेशन करने की अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ठीक है मनोज देयर क्या आप सुन रहे हो काइंडली कंफर्म और आई विल स्टार्ट से क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हो गया ताकि आप ये भी देख सको कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपसे एन टी ए में सवाल कैसे पूछे जाते हैं या फिर कैसे पूछे जा भी सकते हैं इस बात को ध्यान देंगे वेरी गुड मनोज तो समझ में आ गया सारा कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें ठीक है चलिए ओके ओके स्टार्ट करते हैं अब देखो पहला सवाल क्या है यहां पर देखेंगे The theory of Big Push is based on which of the following ideas? जो अभी हमने बिग पुस थियोरी को पढ़ा है वो कैसे आइडियाज़ पे बेस्ड है और देखो सेम मैंने फर्स्ट लाइन बताया था आपको कि इस थियोरी के पीछे का आइडिया क्या था बात समझ में आ गई देखो सवाल वैसे डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछता है एंटी आपसे इसीलिए मैं स्लाइड्स में वैसे चीज़ों को मैंशन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड भी पता हो है ना एक पॉइंटर्स पता हो और जब आप एग्जामिनेशन में पढ़ो तो चीजों को डिकोड करके सही आंसर मार्क करो ठीक है तो देखो पहला पॉइंट क्या है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की गई थी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट छोटा इन्वेस्टमेंट करना है हमें छोटा निवेश करना है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की बात की गई थी या फिर अनबैलेंस्ड ग्रोथ अनबैलेंस्ड ग्रोथ की बात की गई थी फटाफट से आंसर करेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की गई थी

इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात की नहीं गई है ठीक है उसके बाद देखिए इन्होंने कहा है बिग पोष मतलब देखो मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने आज के सेशन में एक एक पॉइंट बताया है आपको अब ध्यान से समझिए अनबैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट करते नहीं है तो डी ऑलरेडी कैंसिल हो गया इंटरनल इकोनॉमिक्स की बात, बात की नहीं है उन्होंने ठीक है अब देखो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है ना इस पर हम बाद में आते हैं उन्होंने बात क्या किया है बिग पुश का ना बिग इन्वेस्टमेंट की बात की है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैसे होगा यह भी नहीं होगा इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर वेरी गुड मनोज सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहने का मतलब क्या है आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि दूसरी इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलता है एक्सटर्नलीज आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ा रहे हो मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हो ठीक है तो ध्यान देंगे एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए क्वेश्चन देख के हम नहीं है आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है देखो आ गया ना वो क्वेश्चन यही सवाल आपसे एन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनमें से कौन सा नहीं है उन तीन इंडिविजिलिटीज जो कि रोनर के द्वारा कही गई है बिग पुल थ्योरी में फटाफट से आंसर करेंगे क्या वो सप्लाई ऑफ सेविंग नहीं है क्या वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन था क्या वो प्रोडक्शन फंक्शन है या फिर डिमांड है इनमें से कौन सा नहीं है हमें ये बताना है और हमने कौन कौन सा पढ़ा है याद कीजिए और बताइए अब भी बता रहे हैं चलिए देखते हैं वेरी गुड मनोज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि हमने देखा है क्या सप्लाई और सेविंग की भी बात की उन्होंने ठीक है हमारी इनकम लो होती है तो सेविंग लो होती है वैसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की भी बात की गई है और डिमांड को लेकर भी बात की गई है ठीक है वेरी गुड यू हैव स्कोर टू आउट ऑफ टू ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल इकोनॉमीस आपसे ये भी पूछा गया क्या एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब क्या है कहते क्या है गेंस और बेनिफिट्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री जो देश के बाहर से आती है फायदे क्या उसे कहा गया है यहाँ पे वैसे जिक्र हुई है कुछ अगला देखिए एडिशनल गेंस दैट अराइज विद इन द फॉर्म मतलब कि जो एक्स्ट्रा गेन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको होता है फॉर्म के अंदर में क्या उसे कहा गया है एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी ध्यान देंगे ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट को ही क्या कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी कहते हैं थर्ड और अगला क्या है अनपेड बेनिफिट्स विच अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन जो आप मार्केट को एक्सपेंड करते हो बड़ा करते हो उसके बेसिस पे क्या होता है अगले अगले पार्टी को भी फायदा होता है ठीक है एक्सटर्नल इकोनॉमी इसका राइट right आंसर क्या होगा ए बी सी या फिर डी फटाफट से करेंगे आंसर क्या होगा इसका आंसर एक्सटर्नल इकोनॉमी रिफर्स टू वैसे फायदे जब आप मार्केट एक्सपेंड कर रहे होते हो तो अगले इंडस्ट्रीज को भी फायदा होती है वो कह रहा है डी पॉइंट फिर है सी पॉइंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बी पॉइंट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म के अंदर ही हो और अगला है कि जो कंट्री के बाहर से मिलती है हमें फटाफट से करेंगे इसका आंसर डी यू आर सेंग डी ओके लेट्स सी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इन इनडिविजिबिलिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग जो सप्लाई ऑफ सेविंग की हमने बात की है अभी बेसिकली उस कंडीशन में रोजाइन ऑर्डर ने क्या कहा था कौन बड़ा होना चाहिए किससे पहला क्या है एम पी एस मस्ट बी ग्रेटर देन ए उन्होंने ये बताया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो बड़ा होना चाहिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से कहने का मतलब डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई ग्रेटर होना चाहिए एस ओवर वाई के ठीक है आगे देखिए ये बता रहे आप एम पी एस मस्ट भी इक्वल टू ए पी एस क्या दोनों इक्वल होने चाहिए एम पी एस छोटा होना चाहिए या फिर वैल्यू बीच में लाई करना चाहिए इक्वल टू वन होना चाहिए आप ए बता रहे हैं एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब यह है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से थियोरी को समझा है आपने चार में से चारों क्वेश्चन सही किए हैं इसी तरीके से मनोज देखो आप ही वो व्यक्ति हो जिनको पहले वाले क्लास में क्या प्रॉब्लम था सर हिंदी में बताओ और आप ही वही व्यक्ति हो सेम व्यक्ति जो इंग्लिश में गिवेन क्वेश्चन को जस्ट बिकॉज आप डिकोड कर पा रहे हो आप करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हो इसीलिए भाषा को बाधा नहीं बनाना है लर्निंग पे फोकस करना है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर भाषा बाधा नहीं बनती आप डिकोड करते हो और वैसे भी एग्जामिनेशन में तो हिंदी में लिखा ही होता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए ठीक है और वो जो पॉइंटर्स जो उस इकोनॉमिक्स के द्वारा कहा गया आपके माइंड में होना चाहिए फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होता ठीक है चलिए आगे देखते हैं सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन फॉल रोजाइन रोडन एग्जामिन सीनारियोज इन विच डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो ऑन मेनी फ्रंट्स एट द सेम टाइम ही टर्म दिस ग्रोथ एज मतलब उनका ये मानना है कि सारी कंट्री एक ही समय में लगातार ग्रो करेगी वो उन्होंने कैसे बताने की कोशिश की है बहुत आसान क्वेश्चन रही है सामने देखते के साथ बता दोगे क्या उन्होंने बिग पुश की बात की थी उन्होंने कंपेल्ड ग्रोथ की बात की है या फिर डेवलपमेंट ड्राइव की बात की है ठीक है डी ऑप्शन ही नहीं है मनोज ए बी और सी आई थिंक डी मिस आउट हो गया यहाँ पे क्या होगा आंसर बिग पुश ओके बी ये आसान क्वेश्चन था वेरी गुड उन्होंने बिग पुश की बात की है तभी जाकर सारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी साथ में वेरी गुड आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है पॉल और स्टाइन रॉडन का ठीक है ध्यान देंगे उन्होंने एग्रीकल्चर को डिरेक्ट किया उन्होंने एग्रीकल्चर को अनदेखा किया पहला पॉइंट उन्होंने करप्शन को अनदेखा किया दूसरा पॉइंट इट प्लेसेस टू मच इम्पेसिस ऑन ग्रेजुअल ग्रोथ उन्होंने बढ़ते हुए ग्रोथ पे ही ज़्यादा ध्यान दिया है कि सारा कुछ साथ में ग्रो करेगा इनमें से कौन सा क्रिटिसिजम नहीं है मतलब वो कटाक्ष नहीं करते हैं कौन से पॉइंट पे बताइए फटाफट से आंसर करेंगे आप ए बता रहे मनोज सी बता रहे आप ओके okay, चलिए देखते हैं एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी वेरी वेल डन यानी कि आज आपने सिक्स आउट ऑफ सिक्स मार्क्स स्कोर किया है और लिटरली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ठीक है अगर आपकी परफॉर्मेंस इस तरीके से रही तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ोगे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलोगे और अपने एंड से सही जवाब दे रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले हो जल्दी एग्जामिनेशन में आप वही स्टूडेंट हो जिसे पहले क्लास में प्रॉब्लम हुआ था और वही स्टूडेंट आज छः में से छः सही सवाल देकर जा रहा है ठीक है इस बात को ध्यान रखिए तो आपको आपको भी पता है केवल बिग पुश की जरूरत थी ठीक है आपको भी वैसे टाइम को डिनोट करना है अपने रिसोर्स को सही जगह पे लगाना है और अल्टीमेटली आप भी ग्रोथ को हासिल करोगे डेवलपमेंट को हासिल करोगे और नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे तो हर करने वाला इंसान ही होता है है ना आप भी उनमें से ही एक हो अगर आप भी इस तरीके से मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस देख कर और मैं उम्मीद करूँगा कि एक दिन आप आओ और हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपने जिससे नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया ठीक है ममता फाइव का भी बता रहे हैं ओके जिसकी गिव मे सेकेंड वेरी गुड फाइव का बी बी इज द राइट आंसर ममता कहाँ थे आप आप कल वाले क्लास में भी नहीं थे आपने क्लास मिस किया आज भी आपने लेट से ज्वाइन किया है अगर आप सभी को रिजल्ट इंश्योर करना है ना जून वाले अटैप्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले वीक से आठ से नौ बजे वाला क्लास अटेंड कीजिए डेली बेसिस पे रात के आठ से नौ बजे जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपसे सवाल पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसी सेशन में हम पी को भी प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे इसीलिए आप लोगों का अटेंडेंस मस्ट है मुझे देखना है आप दोनों को अगले वीक में आठ से नौ बजे रात वाले क्लास में ठीक है और उस तरीके से हमारी वो सेशन टिल जून तक चलेगी और आज मैं मनोज के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ उन्होंने छः में से छः छः जवाब सही दिया है और ये परफॉर्मेंस बना रहना चाहिए ठीक है वेरी गुड ममता सिक्स का सी है राइट आंसर वेरी गुड चलिए बहुत अच्छी बात है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया ठीक है तो सेशन वाइंड अप करते हैं और आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी हो जाएगी और नेक्स्ट वीक से याद रखिए मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपकी जो क्लासेस है वो एट पी टू नाइन पी कंडक्ट होनी है तो सारे काम को निपटा के इस समय प्रॉपर समय डिनोट करना है अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर पे वेरी वेलकम मनोज ठीक है अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर पे सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उसी सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने ये पैटर्न अपनाया है कि आपको टॉपिक भी पता चले और उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आप क्लियर करते चलो ताकि आपको ये भी आइडिया होता चले कि हर एक टॉपिक से कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो एक ही सेशन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा चलिए फिर थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर बींग विथ मी उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हैव अ गुड टाइम बाय बाय टेक केयर